अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए, आज की रेसिपी हम जो बनाने जा रहे हैं वो है रमज़ान स्पेशल रूह अफ़ज़ा शरबत। किस तरह से बनाना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे हम आपको बताते हैं, और बनाने का तरीका कैसा है और उसमें क्या क्या डालना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने इस कप से 1.5 कप शक्कर ले लिए, इसको हम मिक्सर में 1 राउंड लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। अब शरबत में हम डालेंगे सब्ज़ा हमने 2 घंटा पहले भिगा दिया था, अच्छे से फूल गया है हमारा सब्ज़ा। और इसमें हम डालेंगे मिंट यानी पुदीना के पत्ते, और हमने 2 नींबू लिया है, इसको कट कर लिया है, इसकी बीज निकाल दी है। इसको निचोड़ कर इसमें डालेंगे शरबत में, और ये हमारा रूह अफ़ज़ा और ये हमारा आइस क्यूब, ये सब हम डालकर बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान, पीने में बहुत टेस्टी और झटपट बन जाता है, आसानी से हर कोई बना सकता है। और ये पेट के लिए और दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पेट में ठंडक और दिल में तरावट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर में 1 राउंड लगा लेते हैं इसको, शक्कर हमारी बारीक हो जाए ताकि घोलना ना पड़े ज़्यादा। शक्कर को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पतीली में। रूह अफ़ज़ा हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है, इसके लिए हम शरबत भी ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा शरबत से ही इंसान पेट भर लेता है, प्यास के मारे परेशान रहता है तो सबसे ज़्यादा शरबत ही पीता है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जितना आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बनाएं, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। मुझे 4 गिलास बनाना है तो मैं वो हिसाब से बना रही हूँ। को अच्छे से मिला लेंगे। पाउडर बना हुआ रहता है तो जल्द से जल्द हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। देखिए शक्कर हमारी घुल गई। अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ा। सब्ज़ा पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप जब भी बनाएं रूह अफ़ज़े का शरबत तो सब्ज़ा ज़रूर डालें। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, हमने 2 नींबू लिया है, नींबू पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है और इसका टेस्ट जो है ना रूह अफ़ज़े के शरबत में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो आप जब भी बनाएं रूह अफ़ज़े का शरबत तो उसमें नींबू और पुदीना ज़रूर इस्तेमाल करें, गर्मी के लिए और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। हमने नींबू के रस को अच्छे से निकाल लिया है, उसमें मिला दिया है अच्छे से। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा।
अब इसमें हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा। दो चम्मच के करीब डालेंगे रूह अफ़ज़ा। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें डालेंगे आइस क्यूब, और इसमें हम डालेंगे पुदीना के पत्ते। इसको कट कर लेंगे। रूह अफ़ज़ा का शरबत हमारा तैयार हो गया है। हमने इसमें पुदीना के पत्ते भी डाल दिए हैं, सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सैंड, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए अब इसको सर्व करते हैं ग्लास में। बिल्कुल आसानी से बन जाता है ये, और ये पेट के लिए और दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट में ठंडक, दिल में तरावट। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमने इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला है, हल्का सा, और इसमें हम डालेंगे बर्फ़ के टुकड़े, आइस क्यूब। अब इसमें हम शरबत को डाल देते हैं। हमने सर्व कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, देखने में और भी खूबसूरती बढ़ जाए इसकी, क्योंकि पुदीने के पत्ते सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप बनाएं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हमने पुदीने के पत्ते से गार्निश कर दिया है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। रमज़ान स्पेशल रूह अफ़ज़ा शरबत, ठंडा ठंडा, कूल कूल, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए भी, पेट के लिए भी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और क्या नाम है, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारी इंसान एक एक करके शुरू करने लगते हैं। इसके लिए आप भी इबादत के लिए तैयार रहिए और क्या नाम है, रमज़ान की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। रूह अफ़ज़ा का शरबत हमने बनाकर रेडी कर दिया है, ग्लास में सर्व कर दिया है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में बहुत ही आसान है और पीने में बहुत टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रूह अफ़ज़ा शरबत में हमने पुदीना और लेमन डाला है, यानी नींबू का रस डाला है। तो जब भी बनाएं नींबू और पुदीने का इस्तेमाल और सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। पेट के लिए ठंडक, दिल में राहत, और क्या नाम है, रमज़ान स्पेशल हमने बनाया है रूह अफ़ज़ा शरबत। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, पीजिए, इंजॉय कीजिए।